तो गल करते हैं पंजाब दे सियासी गलियारे दे विच जो चर्चा का विषय बनया हुआ स्कॉलरशिप घोटाला सियासी पारा हाई है उत्थे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने इस कथित घोटाले लिया के सरकार नूं निशाने ते लिया तो दूजे पासे पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने सुखबीर बादल से पलटवार किया है। सुखबीर बादल ने मंत्री धर्मसोत ते गंभीर इल्जाम लगाउंदिया कहा कि केंद्र वालों आए 115 करोड़ रुपए विचों धर्मसोत ने कपला ही कर दिता है। उन्हें भी कहा कि डिप्टी डायरैक्टर PS गिल की धर्मसोत ने बहाली करवाई सी। सुखबीर सिंह बादल ने इल्जाम लगाया कि गिल के नाल मिलकर साधु सिंह धर्मसोत ने कपला किया। उन्हें भी कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह धर्मसोत के खिलाफ कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं कर रहे। तो दूजे पास पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने इस मामले ते कई तरह के सवाल खड़े कर दिए ते अकाली दल नूं निशाने ते लिया। जाखड़ ने भी कहा कि अकालिया के दौर में SC भाईचारे के तो हक ही मार दिए गए। अकाली दल के समय में हुए घोटाले की जांच रिपोर्ट हाले तक सामने नहीं, जबकि कथित स्कॉलरशिप घोटाले मामले की जांच रिपोर्ट 4 दिन के सामने आने जा रही है। इस अलावा जाखड़ ने कहा कि पंजाब के दलित भाईचारे के 800 करोड़ रुपए की जरूरत है पर प्रधानमंत्री मोदी उसनू रिलीज नहीं कर रहे। साधु सिंह धर्मसोत ने बलदा क्लियर कट स्कैम किया। इस कोई दो चीज कि थोड़ा काम की है मुख्यमंत्री का, जो कोई कांग्रेस का लीडर फस जाता है तुसी उन्हें क्लीन चिट दे दिंदे हो। जे हर बंदे नूं क्लीन चिट देनी है कि तुसी उहदे भागीदारी है कि नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्कीम चलाई सी जिथे साढ़े SC भाईचारे का नाम आ जाता सीगा। वैसे भी पंजाब ते डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा बड़े मेहरबान रहे, जिहड़ा इन्हां ने जिद्दन भी गुलदस्ते लैके गए उत्थों पैसे गफे लैके आए। पर जदों BJP की सरकार आ गई उहदे बाद जदों आ नंबरस लैके उत्थे पहुंचे है तां उन्होंने सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं बुला लिया ते ही वाज़ पुल्ड अप या तुसीं की फरॉड दलित भाईचारे दे नाम ते कर रहे हो। उहदे बाद आ सारा मसला सामने आया।